नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे, मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक आई है और स्प्लेंडर बाइक है और इसमें क्या है, करंट की समस्या है। और ये दो मैकेनिक भाई बनाए और लेकिन उसमें करंट नहीं आ रहा, और जब नहीं बना पाए तो मेरे पास फ़ोन किया कि भैया इसमें ये हो गया, क्यों नहीं करंट आ रहा, क्या है। तो उन्होंने बताया कि भैया इसमें करंट कम आ रहा, ठीक है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी यानी करंट नहीं आया। लेकिन हम देखिए क्या होता है, जब हम आपको जब उसका प्रोसीजर मालूम है तो हम उसको अच्छे से काम कर लेंगे, लेकिन हमको अगर प्रोसीजर नहीं मालूम है, ट्रिक नहीं मालूम है, तरीका नहीं मालूम, तो हम उसमें उलझे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। ठीक मेरे दोस्त, इसके लिए देखिए नई वायरिंग डाली गई है, बिल्कुल ही नई वायरिंग डाली गई है यहाँ पर, हाँ। और इसके लिए देखिए यहाँ पर ये नई वायरिंग डाली गई है, और यानी देख लीजिए कहीं से भी कुछ भी, यानी देखें मेरे दोस्त, यानी हम आपको थोड़ा दिखा दें तो बिल्कुल यानी नई वायरिंग डाली गई है, हाँ। और डाल करके भी करंट ना हो तो ये वो लगता है कि भाई वायरिंग जब डाल दिया गया, और इसमें देखिए थोड़ा सा कट का निशान भी यहाँ पर कट दिया गया वायर भी, लेकिन तभी जब आदमी परेशान होता है तब ऐसा होता है। और उसके साथ साथ देखें मेरे दोस्त भाई ने इसका जो कॉयल है, कॉयल देखिए, कॉयल भी नई डाली गई, ठीक, यानी जो मैग्नेट कॉयल है हम आपको दिखा दे रहे हैं। और फ़ोन किया तो हमने कहा भैया ऐसा है, यहाँ पर कभी कभी जो यानी कॉयल होता है इसमें एरल्डाइट की, यानी उसको एरल्डाइट बाद में लगाया जाता है, उसको चपकाया जाता है मेरे दोस्त, तो एरल्डाइट आ जाता है तो उसको अर्थिंग सही नहीं मिल पाता। तो इस जगह हम लोग जब कॉयल लगाते हैं तो उसमें आरी के ब्लेड से अच्छे से उसको यानी रगड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं, रगमाल से साफ़ कर देते हैं, जिससे कि वो यानी कहीं कार्बन कचरा है, कार्बन है तो साफ़ हो जाए, जिससे कि उसको अर्थ मिले, तभी तो यानी वो काम करेगा, कॉयल काम करेगा। लेकिन वो भी करके देख लिया, इसको इन भाई को बताया, तो इन्होंने जब नहीं बन पाया तो ये बाइक मेरे पास ले आए, ठीक। लेकिन भाई हम चाहते हैं भाई कि जो भी मेरे पास भाई आता है कोई भी बाइक बनवाने के लिए, तो हम चाहते हैं उनको एक बार हम ऐसी प्रोसीजर बता दें कि जिससे वो प्रॉब्लम के लिए कभी ना आए, ठीक। जब भी आपको कभी ऐसा होता है करंट नहीं आता, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, इस वायर में करंट देखना है। अब ये भाई बोल रहे हैं भैया इसमें करंट भी नहीं आ रहा, इस वायर से कोई मतलब, हम आपको दिखाते हैं एक बार। मेरे दोस्त दिखाइए भैया, इसमें देखिए ये करंट आ रहा, ठीक है, हाँ, इसमें यानी करंट आ रहा, तो ये यानी चेक कर लिया आपने, जब करंट आ रहा तो इसमें समझो ठीक है। फिर उसके बाद देखिए करंट चेक करने के बाद ये जो मल्टीमीटर होता है, यानी मल्टीमीटर पर क्या करना है, जो ये यानी मल्टीमीटर को बीप पर लगाना है, बीप पर यानी कंटिन्यूटी पर, यानी आपको लगा करके चेक कर लेना है। क्योंकि मेरे दोस्त ये बिल्कुल सिंपल बात होती है, लेकिन भाई मेरे क्या बताएं, अब कोई ऐसी परेशानी आती तो हमें लगता है कि यानी बता दें कि कभी आप लोग कभी भी ऐसी परेशानी हो तो आप परेशान ना हो, ठीक है। हम आपके ही लिए चाहते हैं भाई कि वीडियो बनाते रहें, परेशान ना हों, जिससे कि आप देखिए। अब जैसे ये है, ये वायर पिकअप कॉइल का है, नीला कलर का वायर, बीप पे हमने लगा लिया आपके सामने, ठीक, बीप पे लगा करके, और इसको हम कहीं पर भी यानी बॉडी में अर्थ कर दें, कहीं पर भी। देखिए मेरे दोस्त कितना दिखा रहा, दो, भैया थोड़ा और करीब में दिखा दीजिए, 2:48, ठीक। अगर हम बॉडी में देखिए, बॉडी में अर्थ, मेरे दोस्त देखिए बॉडी में हमने इसको अर्थ किया दिया है, बॉडी में कहीं पर भी अर्थ दे, या इसके ग्रीन कलर के वायर जो है इसमें, ठीक, ये देखिए हमने ग्रीन कलर का जो वायर है इसमें अर्थिंग दिया, ठीक, अर्थ कहीं पर भी देंगे तो इससे आपका रेंज मालूम पड़ गया कि यानी इस पिकअप कॉइल की रेंज क्या है, इस समय इसकी सही रेंज है। अगर ये क्या होता है, अगर ये कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि यानी ये यानी ऐसे में बीप की आवाज़ आ जाती, तो क्या होता है, ये वाला वायर कहीं ना कहीं बॉडी में अर्थ करता तब बीप की आवाज़ आ जाती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त कभी कभी क्या हुआ कि हमारे सामने ऐसा हुआ कि दो गाड़ियों में ऐसा हुआ कि उसका पिकअप कॉइल का वायर यानी बॉडी में अर्थ कर रहा था। अब हम उसको कॉइल भी चेक किया, करंट भी चेक किया, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो अर्थिंग वहाँ बॉडी में अर्थ कर रहा पिकअप कॉइल, तब उसमें करंट तो आता नहीं, तो इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। और हमने जब उसको मल्टीमीटर चेक किया तो एक मिनट में समझ में आया कहीं ना कहीं अर्थ कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये है, अब जैसे ये देखिए बीप की आवाज़ आ गई, ठीक। ये वायर अगर हम कहीं पर भी बॉडी में अर्थ कर देंगे किसी भी प्रकार से कहीं से, तो हम इसको बॉडी में अर्थ कर दिया, देखिए मेरे दोस्त जैसे इस वायर को हम बॉडी में अर्थ करेंगे, हाँ, तो हम इसको चेक करते रहें। अब वो कहीं पर रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, यानी बॉडी में अगर अर्थिंग है इसको, ठीक, तो हम अगर वायर में भी लगाए रहेंगे तो सब जगह यानी बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है, कहीं पर भी होगा बीप की आवाज़ आएगी। तो इसी तरीके से यानी वो बीप की आवाज़ आती है, इस तरीके से आप
यानी इस वायर को ज़रूर ध्यान से चेक करें, क्योंकि मेरे साथ जब दो बार हो सकता है तो आपके साथ हो सकता है, ठीक। बाकी इसमें स्टार्टिंग के लिए दो ही वायर मेन होते हैं, बाकी ये वायर चाहे आपका इसमें करंट आए चाहे ना आए, ठीक। आपको क्या लगाना है, ये वायर विशेष करके, ये एक ये वायर और एक ये वायर, ठीक। बाकी मेरे दोस्त क्या है, इसको अर्थिंग देना ज़रूरी है, लेकिन अर्थिंग इसको बॉडी से मिल रहा CDI को, ठीक। अब फिर भी देखिए करंट आता है कि नहीं आता, हम आपको दिखाते हैं। देखो हमने इसको चेक कर लिया, अब इसके बाद करंट आता कि नहीं आता ये दिखाते हैं। भाई जरा किक लगाइए जरा, देखो लाइट इसकी बंद कर लो, हाँ। अब भाई मेरे देखो जोर से लगा रहा कि देखिए बिल्कुल मेरे दोस्त, देखिए किसी टाइम आया हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा, यानी जो दूर कर लिया तो नहीं चलेगा, यानी अगर हम थोड़ा सा भी दूर कर लेते हैं तो वो भी चला जाता, ठीक। बिल्कुल मरा मरा से करंट आ रहा, ठीक। तो मेरे दोस्त देखिए करंट नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ऐसी समस्या होती है करंट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जिन बाइक में लाख में चार वायर होते हैं उसमें एक वायर होता है ब्लैक पर, यानी वाइट पट्टी, जैसे बजाज की बाइक होंगी या हीरो की बाइक होंगी तो इसमें ब्लैक पर वाइट पट्टी, यानी वाइट पट्टी, ये वाला वायर, इसको आप यहाँ से हटा देना है। फिर आपको चेक करना है कि वायरिंग कहीं शॉर्टिंग कर रही तब भी समझ में आएगा, लाक कहीं शॉर्टिंग कर रहा तब समझ में आ जाएगा, इस तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो TVS की बाइक होती है उसमें यानी ब्लैक कलर का वायर होता है, यानी जिसका इसमें जैसे ब्लैक कलर का वायर, यानी उसमें पूरा ब्लैक वायर होगा उससे यानी ऑन ऑफ होता है, तो TVS की बाइक है तो उसमें आपको ब्लैक कलर का वायर हटाना। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला वायर हटा के तब दिखाते हैं आपको। मेरे दोस्त देखिए हमने ये वायर हटा दिया, ठीक। कौन सा वायर हटाया, सिर्फ ब्लैक पर, यानी ब्लैक पर सफ़ेद पट्टी, ठीक है। और ये करंट लगाइए भैया, किक लगाइए, देखिए मेरे दोस्त अब ये करंट देखिए कितना अच्छा सा आ रहा है, जोर लगाइए भैया, देखिए यानी अब हमको लाइट भी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा करंट आने लगा, ठीक। अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए जब तक लेकिन आपको जानकारी ना हो तब तक कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे दोस्त देखिए हम आपको छोटी छोटी ट्रिप्स, छोटी छोटी बातें इस तरीके से बताते हैं, जब भी आपको ऐसी समस्या हो तो आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकें, जिससे कि भाई आप जब आपको तरीका मालूम है, अनुभव है, तो आप किसी के सामने बेइज्जती नहीं होगी और आप कॉन्फिडेंस से कह देंगे हाँ हम प्रॉब्लम को सॉल्व लें, लेकिन कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त जब तक जानकारी नहीं होती तब भी हम लोग भी यानी बात करने में हिचकिचाते हैं। तो मेरे दोस्त जो भी जानकारी थी करंट ना आने की समस्या के लिए हमने बताया, चाहेंगे मेरे